आज हमें पार्टी बहुत जोर की बना ली है। हमने कालीचरण पते मिठाई का डिब्बा मंगाया है। तुमने डिब्बा तो मंगाया है, किस खुशी में मंगाया है? कालीचरण की दुकान पे से। अब बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए मैंने मिठाई का डिब्बा मंगाया, हमें खुशी मनानी है। और तू तुमने मिठाई का डब्बा तो मंगाया है, जरा खा के तो देखे कैसा है। चारों लोगों, मिठाई तो तुम खाने को बड़ी जल्दी चल रहे। भगवान जी को नाम लेना चाहिए हमें पहले। भगवान जी को तो नाम लेना रही ही कर रहे हैं। भगवान का तो नाम ले लिया, अब मिठाई तुम बैठ जाओ, मैं मिठाई खिलाऊंगी। इस पर कोई बैठा और नहीं खाएंगे इसको। बकर बकर कर रहा है, कितनी तो अच्छी मिठाई है। देखिए मिठाई में से बदबू मार रही है। इसमें बदबू मार रही है, कोई नहीं। गंगा जी में बहाना ना फूकना, गाड़ी में डाल के ना मारे घर ले आना जी। शायद करने वाला भगवान है। सांप के काटे इंसान को ना अपने पास रखूंगा सब 3 घंटे, और ऐसी देसी जंगल की जड़ी बूटियां उसमें घोटूंगा, फुलाऊंगा, पिलाऊंगा, और आपके सांप के काटे इंसान को बाबूजी में ठीक कर दूंगा। बताओ चौधरी साहब, प्रधान जी, हमने धर्म का काम करा है या पाप का काम कराया बाबू जी? धर्म का काम। अगर किसी मरते इंसान की जिंदगी बचेगी ना, वो इंसान बाबू जी दिल से दुआ तो देगो, लेकिन बद्दुआ किसी ने वो बंदा नहीं देगा। और दूसरा काम हमारा क्या है जी? किसी ने पागल कुत्ता काट ले जी, पागल कुत्ता या पागल न्योल काट ले या पागल गीदड़ काट ले, और कोई इंसान पागल हो रहा है जी, पागल पागल जानवर काटे इंसान को भी ना गाड़ी में डाल के हमारे घर लिया ना जी। शायद कर्म से पागल बंदे ने मिला जी, ठीक कर। यही तो हमारा पता था, और ये पता हमने आपको करके दिया बाबू जी। बताए बताओ चौधरी साहब, पता हमारा अच्छा लगा तुम्हें या बुरा लगा? बढ़िया लगा ना साहब। हम तो तुम्हारे गांव में भाई प्रधान जी चौधरी साहब इसी चीज का पता बताने आए थे, और ये पता मैंने आपको करके दिया। शहदपुर की तो शायद रिश्तेदारी भी होगी तुम्हारे गांव के अंदर साहब जी। ए शहदपुर नाची का गांव है। अब तो मैं दिखा के जाऊंगा ये बड़ा सांप ले रही चेला बेटा हीरालाल इस